जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? देश लुट रहा है तो अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये तो श्री कृष्ण ने कहा। ये हमारे देश में कहने वाले बहुत लोग हैं। मुझे कहते हैं तुम क्यों परेशान होते हो? योग करें, प्राणायाम करें, आयुर्वेद को बढ़ाएं, फैलाएं। ये लूटने के लोगों को पकड़ने के लिए क्यों फोन बहुत आते हैं, पुढ़ारियों के फोन बहुत आते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात मत करें, ये मुझे कहते हैं और मुझे सुनाते हैं तुम क्यों परेशान हो, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। पूछता हूं कि श्री कृष्ण ने ये कब कहा था, ये तो बताओ। कोई भी बात जो होती है उसका कोई संदर्भ होता है, कंटेक्स्ट होता है। कौन से संदर्भ में श्री कृष्ण ने ये कहा था? कृष्ण ने ये तब कहा था जब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना पड़ा और श्री कृष्ण ने उसके लिए 18 अध्याय की गीता सुनी। और युद्ध के मैदान में, ध्यान रखना, बेडरूम में नहीं, नहीं ड्राइंग रूम में नहीं, डाइनिंग रूम में नहीं, लिविंग रूम में नहीं, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में गीता सुनाई है उन्होंने। माने गीता लड़त करने की पुस्तक है, ड्राइंग रूम में बैठने वाली और पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है, क्रांति वाली पुस्तक। श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, बार बार उदाहरण दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अर्जुन एक ही बात कह रहा है, मैं कैसे मारूं, ये सब मेरे भाई, इनको मारना तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। और फिर एकदम से अर्जुन तैयार होता है, और अर्जुन तैयार होता है तो युद्ध लड़ता है। और युद्ध के मैदान में अर्जुन जब तीर चलाता है तो कौरव मर रहे हैं उससे, तब श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा, आगे जो होगा और भी अच्छा होगा। माने कौरव मर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, आगे और ज्यादा मरेंगे और अच्छा होगा। अर्जुन तू व्यर्थ चिंता मत कर, तू मार इनको, ये तेरा काम है। ये उस समय कहा श्री कृष्ण, अर्जुन में उत्साह पैदा करने के, अर्जुन में पुरुषार्थ पैदा करने के लिए श्री कृष्ण ने ये स्टेटमेंट दिया। अब हमारे जो आज के लूटखोर पुढ़ारी हैं वो संदर्भ हटाकर ये बात हमको समझाते रहते हैं। और मैंने देखा है घरों में कैलेंडर टांग रखा है इसका, जो हो रहा है अच्छा, संदर्भ नहीं है उसमें, सीधे एक ही स्टेटमेंट है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। हर आदमी कायर हो जाए, नपुंसक हो जाए, नकारा हो, ये कैलेंडर छपाया जा रहा है, घर घर में बांटा जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कैलेंडर का घर घर में पहुंचना। कोई भी अर्जुन ना बनने पाए इसके ही साजिश है ये कलेंडर, इसको बांटने वाले और धर्म के नाम पर हो रहा है, जो लूटने में पूरी ताकत से लगे हो, वो नहीं चाहते कि ये लूट का सिस्टम बदले। हमने एक रास्ता तो ये है कि हम भी कायर हो जाएं, नपुंसक हो जाएं, नकारा हो जाएं, चुपचाप ये गाना गाने लगे, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, ये तो एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मार, ये कौरव विधर्मी है, इनका नाश करना तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य है ये, और तू सोचना छोड़, पहले उनको मार। तो दूसरा रास्ता ये है। अब हमको तो ये दूसरा रास्ता पसंद आया, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साह देने के लिए, पुरुषार्थ देने के लिए कहा।